हम आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में हमने लास्ट क्लास में क्या क्या कर लिया था, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है और बैलेंस शीट कैसे बनता है, कौन सा आइटम को कहाँ लिखते हैं, ये देख लिया था। अब उसके बाद हमने लास्ट क्लास में, वैसे देखा तो था फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, कि हम जब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते टाइम पे कुछ ना कुछ भूल जाते हैं हम। क्या भूल जाते हैं ट्रायल बैलेंस के? डेप्रिसिएशन लगाना भूल गए, और क्या भूल जाते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी भूल गए, प्रीपेड एक्सपेंस भूल गए, या कोई हमने एसेट्स खरीदा गलती से परचेज में इंक्लूड कर दिया, कोई हमने इन्वेस्टमेंट बेचा हमने गलती से सेल्स में इंक्लूड कर लिया, क्लोजिंग स्टॉक लिखना भूल गए हम, या ऐसा कोई खर्चा पूरा का पूरा ही लिखना भूल गए, हमारा बेड डेट्स हुआ डेटर में से माइनस करना भूल गए हम, या फिर हमने क्या करा मैनेजर को कमीशन देना था कमीशन देना भूल गए हम, या फिर इंटरेस्ट लोन देना था लोन कम दे दिया, पूरे साल का नहीं दिया कम दिया हमने लोन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना था वो हम लिखना भूल गए, ऐसे बड़े सारे एडजस्टमेंट है जिसको हम लिखना भूल जाते हैं। तो भूल जाते हैं तो इसका मतलब हम उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे कंटिन्यू करना तो है। जो ट्रायल बैलेंस के अंदर हम लिखते हैं वो वाला आइटम होता है जो हमें याद होता है, लेकिन जो चीजें हम भूल जाते हैं वो लिखते हैं ट्रायल बैलेंस के नीचे। जो ट्रायल बैलेंस के नीचे हम सारे पॉइंट्स बना के लिख देते हैं, जो ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखते हैं उसी को हम नाम देते हैं किस चीज का, एडजस्टमेंट का। जो ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन हो हमेशा इसको हम ट्रांसफर करेंगे, यानी अगर मैंने यहाँ रेंट लिखा तो बोलोगे सर पीएनएल के डेबिट में डाल दो, मैंने वेजेस लिखा बोलोगे सर ट्रेडिंग के डेबिट में डाल दो, मैंने सेल्स लिखा बोलोगे ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बस एक जगह। लेकिन जब भी एडजस्टमेंट को हम ठीक करेंगे एंट्री, तो इसकी डबल एंट्री करनी पड़ेगी। तो डबल एंट्री आपका बुक कीपिंग का भी नाम है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। तो आज जो हम सीखेंगे एडजस्टमेंट सीखेंगे, यानी इसके अंदर के आइटम का क्या ट्रीटमेंट होगा सीख गए हम, वो सीख चुके। अब बाहर अगर कुछ ऐसी गलती होती है तो उस गलती को कैसे सुधारा जाए, कहाँ कहाँ पे उसको मेंशन किया जाए, अब हमारा ये टॉपिक रहेगा इसके अंदर करने का। समझ में आया क्या हम सीखने वाले? तो हम एक एक करके एडजस्टमेंट सीखेंगे। हमारे सिलेबस में कुछ 18 से 20 एडजस्टमेंट है, जैसे मैंने अभी बहुत सारा एडजस्टमेंट बोला, वो सारे पॉइंट्स को हम अच्छे से सीखेंगे। जब हम सीख जाएंगे तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, और ये चैप्टर आपके रियल लाइफ में हर जगह काम आएगा। 12th में भी ये चैप्टर देखने को मिलेगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर तक जाएगा ये चैप्टर। तो एडजस्टमेंट में मैंने डाला यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर वन। तो मेरे हिसाब से हर स्टूडेंट को पता चल गया होगा कि मैं किस एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ जो ट्रायल बैलेंस के बाहर गलती होगी। एडजस्टमेंट नंबर वन सबसे पहले हम करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। जो हम पहला एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं वो है क्लोजिंग स्टॉक का। अब क्वेश्चन रेज होता है सर क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट तो करने जा रहे हो आप, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक कहां होगा बताओ? बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी ट्रेडिंग के बाई साइड और बैलेंस शीट मैंने बताया, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूं, तो एडजस्टमेंट यानी ट्रायल बैलेंस के बाहर होगा। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक की मैं बात करूं तो यहां पे दो ट्रीटमेंट हो सकता है, दो तरीके से आपको क्लोजिंग स्टॉक देखने को मिल सकता है, मैं दोनों एस्पेक्ट लूंगा। एक हो सकता है कि आपको गिवन हो एडजस्टमेंट में, अगर आपको गीवन है ये एडजस्टमेंट में तो क्या करें? तो सिंपल एडजस्टमेंट में है तो कितनी एंट्री करनी चाहिए? दो एंट्री करनी चाहिए हमें। दो एंट्री कहां कहां होगा? एक होगा ट्रेडिंग अकाउंट में और एक होगा हमारा कहां, बैलेंस शीट में। तो सर आप ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट तो बता रहे हो, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में कहां होगा? ट्रेडिंग अकाउंट के बाय साइड, बाय साइड समझ में आएगा ना, यानी क्रेडिट साइड। और हमेशा एडजस्टमेंट की दो एंट्री करते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो देखो ये मैंने जगह ट्रेडिंग अकाउंट के बाय साइड लिखा तो इट मींस मैंने क्या कर दिया बताओ, मैंने कर दिया क्रेडिट। तो कहीं ना कहीं मुझे क्या करना पड़ेगा अगेन, अब डेबिट। ये बैलेंस शीट में जाएगा और बैलेंस शीट के किस साइड जाएगा, ये एसेट साइड। तो देखो ये एडजस्टमेंट में था तभी तो मैंने दो एंट्री किया। अगर मान लो ये होता, सपोज दैट एडजस्टमेंट में नहीं होता तो कैसे करते? एडजस्टमेंट में नहीं होता तो कैसे पता चलता कि एडजस्टमेंट में नहीं होता? अगर इन केस गिवन इन द, कहां गिवन होगा फिर एडजस्टमेंट में नहीं होगा तो, गिवन इन ट्रायल बैलेंस। अब अगर ट्रायल बैलेंस में है तो आपको पता है कितनी एंट्री करेंगे बताओ, दो या एक में काम चल जाएगा,
एक में काम नहीं चलेगा, एक ही करना है, एक ही एंट्री करना है। और वो एंट्री हम करेंगे कहां? सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग में नहीं, बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में कहां पे करेंगे बताओ? एसेट्स में करेंगे हम। समझ में आ रहा है? ये सारे पॉइंट्स आपको याद रट्टे नहीं मारने, आपने आपने समझना है, क्योंकि स्टॉक एसेट्स होता है इसलिए एक जगह चला गया, और आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। इसके लिए मैं कुछ नोट लिख रहा हूं स्पेसिफिक। अब क्या नोट लिखोगे आप? नोट मैं इसके अंदर लिखना चाहता हूं दो, एक नोट। नोट क्या होगा? इन केस, इन केस मार्केट वैल्यू एंड कॉस्ट प्राइस बोथ गिवन, कहीं भी हो इन्फॉर्मेशन, चाहे एडजस्टमेंट में हो चाहे आपका ट्रायल बैलेंस में हो, अगर मार्केट प्राइस गिवन होता है तो दोनों गिवन, यानी मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस दोनों गिवन हो तो हमें तो एक ही प्राइस लेना चाहिए। हम कौन सा प्राइस लेते हैं? विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, जो इन सब में से कम होगा उसको हम ले लेंगे। ठीक है, दोबारा देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट में हुआ दो जगह जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड। अगर ट्रायल में हुआ तो सिर्फ लिखना है एसेट साइड। अब दोनों में से जो लोअर होगा उसको कंसिडर करेंगे अगर मार्केट वैल्यू देता है तो। चलिए अब एडजस्टमेंट नंबर में वन मैंने तो कर दिया यहां पे, अब सारे एडजस्टमेंट देखेंगे। एडजस्टमेंट नंबर टू, टू मैं करने जा रहा हूं, नोटिंग एक साथ ही करना है आपने। एडजस्टमेंट नंबर टू, प्रीपेड एक्सपेंस, या प्रीपेड की जगह पहले आउटस्टैंडिंग करते हैं। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मैं एक्सपेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है? आउटस्टैंडिंग का एक और नाम है, क्या नाम है? एरियर। एरियर के बाद एक और नाम है, क्या है? अनपेड। अनपेड के बाद एक और नाम है ड्यू। ड्यू के बाद एक और नाम है इसका, बताओ क्या है? आपका एरियर हो गया, अनपेड हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, या फिर हम इसे बोल सकते हैं, चलो यही नाम रहने देते हैं, ड्यू बट नॉट पेड भी है पर वो चल जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, एरियर हो गया, अनपेड हो गया, ड्यू हो गया, ठीक है? एक्सपेंस की बात कर रहे हैं हम यहां। तो वैसे अगर मैं इसका नेचर पूछ लूं आप, तो नेचर क्या बता सकते हो मुझे? नेचर का मतलब इसका क्या होगा? एसेट्स लाइबिलिटी, क्या? सिंपल लाइबिलिटी। लेकिन ये भी इंफॉर्मेशन हमें दो जगह गिवन हो सकता है। अब मैं दो जगह बोल रहा हूं तो आपको समझना चाहिए मैं कहां कहां की बात कर रहा हूं। या तो हो सकता है कहां पे, एडजस्टमेंट में हो सकता है, या हो सकता है गिवन इन ट्रायल बैलेंस। रटना नहीं है आपको बिल्कुल भी से। अब सिंपल सा है, अगर एडजस्टमेंट में होगा तो कितनी एंट्री? दो एंट्री, और वही दो एंट्री तो मैं सिखाऊंगा आपको यहां पे। दो एंट्री, दो एंट्री कहां कहां? एक डेबिट एक क्रेडिट, दो ही जगह जाना होता है। चलो एक जाएगा हमारा, ऐड हो जाएगा इन एक्सपेंस, तो एक्सपेंस में ऐड हो रहा है, तो एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट बताओ? यानी डेबिट कर दिया। लेकिन सर ये एक क्वेश्चन मेरे माइंड में चल रहा है कि सर ऐड इन एक्सपेंस किस में? सैलरी में करें, वेजेस में करें, ट्रेडिंग वाले में करें, पीएनएल वाले में करें, किस में? अब डिपेंड ऑन कहां पे ऐड करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तो और कंफ्यूज कर दिया मैंने, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस। समझो, ट्रेडिंग में करेंगे या प्रॉफिट एंड लॉस में, डिपेंड करेगा किस चीज के एक्सपेंस। अगर मैं बोलूं आउटस्टैंडिंग सैलरी, ऐड सैलरी में होगा तो पीएनएल में है। अगर बोलता हूं आउटस्टैंडिंग वेजेस तो ऐड होगा वेजेस में, जो कहा है ट्रेडिंग में। अगर मैं बोलूं आउटस्टैंडिंग पावर, ट्रेडिंग में ऐड करेंगे, ठीक है ना? दूसरी एंट्री, दूसरी एंट्री लिखेंगे हम बैलेंस शीट में,
बैलेंस शीट में। अब बताओ, मैंने पहली एंट्री में डेबिट लिखा है क्रेडिट? अगर एड इन एक्सपेंस कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या हो रहा है ये बताओ, क्रेडिट या डेबिट? अभी क्रेडिट भी अब डेबिट, ठीक है, कुछ बच्चों का क्रेडिट मुझे मिक्स सा सुनाई दे रहा है, डेबिट। अब एक बैलेंस शीट है, अब डेबिट वाला कर दिया तो आप खुद समझ जाओ डबल एंट्री दूसरी एंट्री कहां जाने वाला है, क्रेडिट, इसमें तो क्रेडिट साइड है नहीं, तो बैलेंस शीट में कहां लिखेंगे? लाइबिलिटी साइड, इसको लिखेंगे हम लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड। अब क्वेश्चन रेज होता है, सर एक एग्जांपल बता दो कैसे करेंगे, ये तो कुछ अधूरा अधूरा लग रहा है, एक एग्जांपल बता दो। देखो सपोज करो कि मैंने एक बनाया ये ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने लिखा पावर और ये मैंने लिखा 100 रुपए। कहां से लिखा होगा? ये मैंने ट्रायल बैलेंस से लिखा होगा, ट्रायल बैलेंस जो बनाया, बाद में एडजस्टमेंट में पता चला अरे 10 रुपए तो आउटस्टैंडिंग है, 10 रुपए आउटस्टैंडिंग है, एक तो यहां ऐड कर दूंगा, आउटस्टैंडिंग पावर कितने हो गया। अब दूसरी एंट्री कहां ले जाना है? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी में 110 ले जाएं या 10? सिर्फ 10 रुपए ले जाएंगे, इस बात को याद रखना है आपको, यहां पे जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा उसको ले जाएंगे। चलिए अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो कितनी जगह करते हैं, दो जगह या तीन जगह? एक जगह करते हैं इसको, जब ट्रायल बैलेंस में गिवन हो तो सिर्फ एक जगह एंट्री। अब ट्रायल बैलेंस में जब गिवन हो तो नेचर देखो, बताओ नेचर क्या होता है आउटस्टैंडिंग का? मैंने बोला आउटस्टैंडिंग रेंट, नेचर क्या है? लाइबिलिटी। मैंने बोला आउटस्टैंडिंग सैलरी, नेचर क्या है? लाइबिलिटी। तो सीधा कहां जाएगा ये? बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के किस साइड? लाइबिलिटी साइड। क्या यहां पे समझ में आया आपको? हमने दो एडजस्टमेंट अभी देखा है, एक देखा हमने क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड, एक देखा हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से रिलेटेड। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से रिलेटेड हमने देख लिया यहाँ पे। अब आउटस्टैंडिंग अगर मैं एक्सपेंस की बात करूं तो दो तरीके से हो सकता है, तो एक बार इस पे स्टार बना लेना आप करोगे तो। अब स्टार क्यों? क्योंकि इसका एक और सेकंड पार्ट भी हम करेंगे आउटस्टैंडिंग का, तो मैं वहां पे इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो अभी फटाफट से आपको पेज, न्यू पेज पे नोट करना है और चैप्टर का नाम लिखना है, फिर नोट करना है अपने साफ साफ बिल्कुल अच्छे अच्छे राइटिंग से लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक और एडजस्टमेंट, ये दोनों नोट करो, फिर दो मैं करूंगा, फिर आपने दो करना है, ठीक है? नोट करिए फटाफट। एडजस्टमेंट नंबर थ्री, एडजस्टमेंट नंबर थ्री करते हैं प्रीपेड, और प्रीपेड मैं एक्सपेंस की बात कर रहा हूं यहां, इसका और क्या नाम है? अनएक्सपायर्ड, अनएक्सपायर्ड। प्रीपेड को हम अनएक्सपायर्ड भी बोलते हैं, और किस नाम से जानते हैं हम? पेड इन एडवांस या रिलेट टू नेक्स्ट, जब ऐसे गिवन हो रिलेट आपका करता हो नेक्स्ट से। अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट मंथ हो सकता है, नेक्स्ट डे हो सकता है आपका, या नेक्स्ट आपका वीक, कुछ भी होगा। हम अगर नेक्स्ट टाइम के लिए पेमेंट कर रहे हैं तो मीन्स एडवांस, और एडवांस मीन्स प्रीपेड। अब प्रीपेड के बारे में अगर हम देखें तो प्रीपेड दो जगह गिवन हो सकता है हमें, एक प्रोबेबिलिटी है कि हमें गिवन हो एडजस्टमेंट में, और एक प्रोबेबिलिटी है कि हमें गिवन हो कहां पे? ट्रायल बैलेंस में। जब ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है तो पता है हम ट्रांसफर एंट्री करते हैं, और ट्रांसफर एंट्री जो होता है वो बाय नेचर होता है, बाय नेचर मतलब उसका नेचर चेक करना होता है। तो प्रीपेड क्या होता है? एसेट्स या लाइबिलिटी बताओ। तो अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो हम दिखाएंगे बैलेंस शीट के, और कहां पे? एसेट में, सिंपल। लेकिन वही बात अगर आपका एडजस्टमेंट में हो तो दो एंट्री करते हैं। अब दो एंट्री कहां करनी है? दो एंट्री करना है, एक एंट्री करना है हमें कहां पे? एक तो हमें करना है लेस फ्रॉम एक्सपेंस,
सर अब लेस फ्रॉम एक्सपेंस कहाँ पे होगा? एक्सपेंस तो बहुत जगह है हमारा, लेस फ्रॉम एक्सपेंस कहाँ से करना है हमें? या तो आपको करना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट में, या करना पड़ सकता है आपको प्रॉफिट एंड लॉस में, दो जगह हो सकता है, लेस फ्रॉम एक्सपेंस में या तो ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस। आप मुझे बताना एक बात सोच के, एक्सपेंस का साइड क्या होता है और डेबिट वाले आइटम में से लेस कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो रहा है? यानी ये अगर साइड बाय देखें तो ये आपने क्या करा, क्रेडिट कर दिया। दूसरे साइड क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। अब दिखाएंगे इसे बैलेंस शीट में, दूसरी एंट्री करेंगे बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में बताओ किस साइड करें, डेबिट यानी एसेट साइड, एसेट साइड, एसेट साइड। तो अगेन देखते हैं, एडजस्टमेंट में गिवन होगा लेस फ्रॉम एक्सपेंस। अगर मैं बोलता हूं वेजेस प्रीपेड तो कहां पे होगा बताओ, माइनस? ट्रेडिंग या पीएनएल? ट्रेडिंग में चला जाएगा और वेजेस में से माइनस हो जाएगा। अगर आपको मैं बोलूं प्रीपेड सैलरी, पीएनएल में से सैलरी, यानी लेस फ्रॉम एक्सपेंस का मतलब है जहां भी एक्सपेंस वो है वहीं जाके माइनस करना है, और दूसरा जो माइनस किया है उसको कहां दिखा देंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड। दो एंट्री हो गया, ये क्रेडिट है और ये डेबिट है। ट्रायल में गिवन होगा तो सिर्फ कहां जाएगा हमारा, सिर्फ बैलेंस शीट में लिखो एसेट साइड में, और आपका काम कंप्लीट। इसके बारे में डबल एंट्री हमें नहीं सोचना। चलो एडजस्टमेंट तीन कर लिया, अब एडजस्टमेंट नंबर आते हैं चार पे। एडजस्टमेंट नंबर चार, एडजस्टमेंट चार, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आप सबको पता है क्या होता है, जब कभी भी एसेट्स के वैल्यू में कमी आ जाता है तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। हमने इससे रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन भी देखा था, क्यों लगता है, कब लगता है, किस एसेट्स पे लगता है। अब डेप्रिसिएशन भी दो जगह गिवन हो सकता है। देखो आपके बुक में हो चाहे ना हो, मैं पूरे एस्पेक्ट लेके कवर करूंगा, हो कहीं से भी आ जाए आप कर सकते हो। या तो हो सकता है एडजस्टमेंट में, और सेकंड कहां हो सकता है, ट्रायल बैलेंस में। चलो अगर एडजस्टमेंट में गिवन हुआ तो दो एंट्री, ट्रायल में हुआ तो एक एंट्री। अब बताओ डेप्रिस, ट्रायल में जब होता है तो हम क्या चेक करते हैं, नेचर। ट्रायल में होगा तो हम चेक करेंगे नेचर। आप डेप्रिसिएशन का नेचर बताओ, नहीं नेचर, एसेट्स एक्सपेंस इनकम, एक्सपेंस है नेचर। तो ऑब्वियस है कि जब भी ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा तो हम दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहां पे, डेबिट साइड। आपने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस में सारे एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं, तो इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाएंगे। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में हुआ तो कितनी एंट्री, दो एंट्री। सर दो एंट्री कहां कहां करेंगे इसको? एक तो हम करेंगे लेस फ्रॉम एसेट्स, लेस फ्रॉम, और लेस फ्रॉम एसेट्स में एसेट्स कहां मिलता है हमें, बैलेंस शीट में। दूसरी एंट्री कहां करना है, दूसरी एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, डेबिट साइड एज ए एक्सपेंस। क्यों डेबिट साइड करा, क्योंकि ये खर्चा होता है। लेस फ्रॉम एसेट्स किस एसेट्स पे करेंगे, अगर डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे है तो फर्नीचर में से करोगे, अगर डेप्रिसिएशन किस पे हमारा मान लेते हैं बिल्डिंग पे है तो बिल्डिंग पे, मशीनरी है तो मशीनरी, जिस पे गिवन होगा उसमें। अब बताओ एसेट डेबिट होता है, एसेट्स में से लेस हो रहा है, तो इसका मतलब हम जब लेस फ्रॉम एसेट्स कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, क्रेडिट आप कर रहे हो। और दूसरी एंट्री कहां लिख दिया मैंने, क्या हमारा कॉन्सेप्ट भी मैच हो रहा है कि दो एंट्री, एक डेबिट और एक। तो देखो दो एडजस्टमेंट अभी और लिखा मैंने, एक लिखा प्रीपेड अनएक्सपायर्ड रिलेट टू नेक्स्ट, और ये खर्चे की बात हो रही है, इनकम की बात नहीं कर रहा मैं, और एक है डेप्रिसिएशन। अगर ये एक्सपेंस हुआ एडजस्टमेंट में तो एक हो जाएगा लेस फ्रॉम एक्सपेंस, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड। अगर ट्रायल में है तो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में एसेट साइड। डेप्रिसिएशन अगर एडजस्टमेंट में हुआ तो दो, क्या क्या, लेस फ्रॉम
एसेट्स, क्योंकि एसेट्स में से ही माइनस होता है भाई डेप्रिसिएशन, और वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या माना जाता है, खर्चा, इसलिए पीएनएल के डेबिट साइड में। अगर ट्रायल बैलेंस में सिर्फ डेप्रिसिएशन है, कोई एरर नहीं है, तो इसका मतलब अगर सिर्फ ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन ही गिवन है तो वो क्या मान लिया जाएगा, एक्सपेंस, और उसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखा दिया जाएगा। कोई डाउट इस दोनों पॉइंट में? चलो इन दोनों को भी नोट करो, उसी के नीचे कंटिन्यू में नोट करते जाना है आपको साफ साफ। नेक्स्ट देखना, आज के क्लास में लास्ट एडजस्टमेंट करेंगे हम, एडजस्टमेंट नंबर फिफ्थ है बेड डेट्स। बेड डेट्स भी हमें दो जगह गिवन हो सकता है, या तो हो सकता है ये कहां गिवन हो, एडजस्टमेंट में, या हो सकता है गिवन हो ट्रायल बैलेंस में। आप मुझे जवाब देना, आप ट्रायल बैलेंस में होगा तो कितनी एंट्री करेंगे, एक, और ट्रायल बैलेंस वाली एंट्री को नेचर को देख के करना होता है, तो बताओ बैड डेट्स का नेचर क्या होता है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस जो होगा ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में है तो एक एंट्री से बात नहीं बनने वाली, दो एंट्री करना पड़ेगा हमें, और सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट रहता ही है। इसके ऊपर मैं स्पेशली स्टार बना रहा हूं, और इसके तीन पार्ट अभी और हैं। अगर एडजस्टमेंट में गिवन हो तो एक तो क्या करेंगे, लेस फ्रॉम बैड डेट्स, किसमें से माइनस होता है, डेटर, और दूसरा जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। तो सर लेस फ्रॉम डेटर, डेटर कहां होता है बताओ बैलेंस शीट के, तो लेस फ्रॉम एसेट्स, और एसेट साइड में होगा, बैलेंस शीट में होगा, इसका मतलब ये हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट हो रहा है बैलेंस शीट के एसेट्स डेटर में से माइनस कर रहे हैं, मतलब क्रेडिट है, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, बताओ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, तो एक हमने क्रेडिट कर दिया, एक डेबिट, रूल हमारा कंप्लीट चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस कभी ट्रेडिंग में नहीं जाएगा बैड डेट्स, ठीक है। तो बैड डेट्स के बाद हमें एक सीखना पड़ेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, एक सीखना पड़ेगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। तो ये सिर्फ इतना नहीं है, अभी और भी पार्ट है, तो जैसे जैसे करेंगे वैसे सीखते जाएंगे, आपको बिल्कुल भी उसकी चिंता नहीं करना कि आगे कितना मुश्किल है कितना आसान, बस जो भी क्लास में कराऊंगा वो आपको समझ में आना चाहिए बस। तो एडजस्टमेंट नंबर क्या है, 5, अगली क्लास में 7 से 8 एडजस्टमेंट करेंगे, हमारे अभी 2 क्लासेस चली जाएगी एडजस्टमेंट को सीखने में। जैसे ही एडजस्टमेंट खत्म होगा फिर पूरे क्वेश्चन को लेंगे, और क्वेश्चन फिर होमवर्क में आपको मिलना स्टार्ट होगा। नोट करिए आप बेड डेट्स को, तो अब इसके अंदर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या है हमारा, पहले हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ गिवन है, और उसके बाद कुछ तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन है, जो दो तीन पॉइंट्स गिवन है वो एडजस्टमेंट है, और ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है वो हमें गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर, इसकी एक एंट्री करेंगे और एडजस्टमेंट की 2 एंट्री करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन रेज होता है, जो जो आपका एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ दो, बाकी सारा ट्रायल बैलेंस के अंदर भी है, तो जिस जिस पॉइंट पे एडजस्टमेंट होगा उसको हम डायरेक्ट बाहर वाले कॉलम में ना लिख के अंदर वाले कॉलम में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि उसमें माइनस या प्लस करना पड़ेगा, और जिस पे एडजस्टमेंट नहीं है वो सिंपल करेंगे। तो मैं पहले क्वेश्चन को कैसे करूंगा वो आपको देखना है और समझना है। तो मैं पहले, सबसे पहले कैपिटल गिवन है 1,90,000, तो लाइबिलिटी में मैं लिखूंगा, अंदर की साइड लिखना है हमेशा कैपिटल 1,90,000, क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट एड होता है। इसके बाद ड्राइंग है, लेस कर देंगे ड्राइंग, आपको सिर्फ देखना है ड्राइंग आपका है यहां पे माइनस गिवन है 7,000, ये माइनस होगा। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, और नीचे एडजस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी पे है, तो अब मैं प्लांट एंड मशीनरी थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं मैं, प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस 1,20,000 है, तो 1,20,000 अब मैं इनसाइड में रखूंगा क्योंकि आगे एडजस्टमेंट करना है हमें। इसके बाद गिवन है हमें डिलीवरी व्हीकल्स, डिलीवरी व्हीकल्स के भी ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो यहां से 3 लाइन छोड़ना है और फिर अब मैं लिखूंगा डिलीवरी व्हीकल आपका, ये क्या होता है आपका जो मोटर व्हीकल्स होगा कोई भी हमारा उसके लिए है, तो अमाउंट लिखा मैंने यहां पे 26,000 इन साइड में, जितने भी एडजस्टमेंट लिखोगे अंदर साइड 3 लाइन कम से कम चाहिए मुझे। इसके बाद सन्ड्री डेटर, डेटर यहां लिख देते हैं,
क्या डेटर के ऊपर कोई एडजस्टमेंट था एसेट्स के ऊपर? कोई एडजस्टमेंट नहीं डेटर के ऊपर, तो डेटर हमने लिख दिया यहां पे 36,000। डेटर के बाद क्रेडिटर, क्रेडिटर क्रेडिटर हमारा यहां पे गिवन है 26,000। क्रेडिटर के बाद आपका गिवन है परचेज, हमेशा परचेज से पहले ओपनिंग स्टॉक लिखना है आपने, ओपनिंग स्टॉक। और अभी सिर्फ आपको सुनना है ध्यान से, क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो बाद में देखेंगे। परचेज, और परचेज दे रखा है हमें यहां पे 20,000, और हमेशा परचेज इनसाइड में लिखना है। रीजन क्यों? क्योंकि आपका इसमें परचेज रिटर्न हो सकता है, तो इसलिए हम इनसाइड में लिख रहे हैं। परचेज के बाद सेल्स है, सेल्स को भी इनसाइड में लिखना है, ट्रेडिंग का पार्ट है सेल्स। और सेल्स अमाउंट क्या गिवन है हमें? सेल्स अमाउंट हमें गिवन है 42,000। इसके सेल्स के बाद वेजेस, वेजेस ट्रेडिंग का पार्ट है, तो मैंने बोला 10 लाइन मेरे लिए इनफ है। देखो मैंने करने से पहले ही अपना अंदाजा लगा लिया, हर क्वेश्चन का यही रहेगा। और टू आपका गिवन है वेजेस, और नीचे एडजस्टमेंट देखे तो वेजेस के ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट ऐसा है नहीं, तो 8,000 आउटसाइड में। इसके बाद कैश एट बैंक बैलेंस शीट में, कैश एट बैंक 26,000। इसके बाद गिवन है आपको स्टॉक 1 अप्रैल का, 1 अप्रैल का आपका स्टॉक, पहले सैलरी गिवन है, तो सैलरी पीएनएल में लिखेंगे टू सैलरी। लेकिन इस पे मैंने देख लिया कि एडजस्टमेंट है या नहीं, नहीं है, तो 8,000 सीधा आउटसाइड में। इसके बाद आपको गिवन है रिपेयर पीएनएल के डेबिट साइड, और रिपेयर 1900 1900 रुपए। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक 16,000, ओपनिंग स्टॉक लिख रखा है, सीधा 16,000 पुट करना है। ओपनिंग स्टॉक के बाद रेंट, रेंट पे एडजस्टमेंट है, तो अब मैं रेंट को अंदर लिखूंगा। रेंट पे हमारा 4500 एडजस्टमेंट, जो भी है वो बाद में देखेंगे क्या करना है, अंदर लिख दिया अभी। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग का पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब माल तैयार करने का खर्चा। और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हमें दे रखा है 1500। बड़ा ही आसान चैप्टर है, बस आपको सही तरीके से पुट करना आना चाहिए। बिल्स पेबल लाइबिलिटी होता है जी, और बिल्स पेबल आ गया हमारा लाइबिलिटी में 23,500। इसके बाद बैड डेट्स, पैसा डूब गया, अगर ट्रायल में दे रखा हो तो एक ही जगह एंट्री करते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस में 3 लाइन चाहिए। इसके बाद मैंने लिखा बैड डेट्स, और बैड डेट्स दे रखा है हमें 5,000। कैरेज कुछ ना बोला हो तो डायरेक्ट मानते हैं, और कैरेज दे रखा है 1600। ये लो, ये पोस्टिंग तो हमें पहले ही आता था, 19 चैप्टर का कुछ नहीं करा हमने, ट्रेडिंग अकाउंट जो पहले सीखा था बेसिक पॉइंट्स किया है यहां पे। अगर कोई बोलता है कि सर आज वाला चैप्टर हमने समझ लिया, तो अभी मैंने पिछले चैप्टर का ही रिपीट किया है, एक तरीके से पिछला कॉन्सेप्ट ही चला है। अब बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कहां दे रखा है? क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है सर बैलेंस शीट के, ट्रायल बैलेंस के बाहर, तो 2 एंट्री आपको नोट लिखवाए, नोट नंबर 1। अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं तो नोट में देख के आप बोल सकते हो। क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट क्या है? 16,000, और एक यहां आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 16,000। क्लोजिंग स्टॉक के बाद अगला डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड व्हीकल, दोनों पे डेप्रिसिएशन है, तो पहले मशीनरी पे लगाते हैं, तो डेप्रिसिएशन का क्या एडजस्टमेंट है? नोट नंबर 4 लिखवाया आपको, लेस फ्रॉम एसेट्स, सबसे पहले लेस कर देते हैं, लेस डेप्रिसिएशन। अब देखना वो कैसे इंप्लीमेंट करना है, 10% है तो 10% इसका 12,000। उसके बाद इसको ही हमें लिखना है दूसरी एंट्री पीएनएल के डेबिट में, क्या लिखना है? डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 12,000। ये था वो एडजस्टमेंट हमारा दो साइड लिखने का। ऐसे डिलीवरी व्हीकल्स पे भी है, माइनस डेप्रिसिएशन 15% है, तो 15% तो निकालना पड़ेगा, 3900। अब इसकी डबल एंट्री साथ के साथ, डबल एंट्री पीएनएल में ही आएगा जी, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन,
और ये आ गया आपका 3900। सबको समझ में आ रहा है ये? यानी आपको कुछ एडजस्टमेंट, मान लो आपको याद नहीं, याद है तो फटाफट मैंने कर दिया, मुझे तो याद है मैंने कर दिया, आपको याद नहीं है नोट लिखवा रखा है, नोट में एक बार देखोगे समझोगे उसके अकॉर्डिंग कर दोगे, आपका आंसर कभी गलत ही नहीं होगा। इसके बाद है आपका अनपेड, अनपेड रेंट। अनपेड का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग। तो देखो वहां पे एडजस्टमेंट में क्या बताया था, एक तो ऐड कर दो एक्सपेंस में, तो मैंने कर दिया आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से अनपेड कर दो आउटस्टैंडिंग। कितने रुपए है? 500। डबल एंट्री कहां जाएगा? लाइबिलिटी साइड। तो आउटस्टैंडिंग ओएस लिख रहा हूं, रेंट 500। लो जी क्वेश्चन खत्म, और कुछ भी तो है नहीं इसमें। किसके नीचे? यहां भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने क्या करा है, यहां पे प्रॉफिट ऐड करूंगा, उसके नीचे लिख सकते हो, ऐसे कोई इशू नहीं है, मेरे पास जगह था, मैंने जैसे समझा लिख दिया, लेकिन हाँ इसी के बिल्कुल जस्ट नीचे नहीं लिख सकते, कम से कम इतने गैप तो देना पड़ेगा। क्लियर? अब क्या करते हैं हम, टोटल करके जीपी एनपी जो भी निकालना आता है हम निकाल लेंगे। ये आ गया 20,000 और ये 42,000, क्योंकि मैंने बताया अंदर लिखना, लेकिन बाद में अगर पता चलता है कि कुछ माइनस करना है तो फिर आप कटिंग करके पूरा प्रेजेंटेशन खराब कर देते हैं। तो अब 42 और 16,000 टोटल करते हैं कितना आएगा हमारा? 58,000। और ये आ गया 58,000, और यहां आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। थोड़ा स्पेस कम है मेरे पास तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे? 1600 था ना ये, या 16,000? 1600। अब कैसे निकाले? 58,000 में से हम ये माइनस करेंगे 36 और 8। माइनस करिए फटाफट, माइनस करें, ज्यादा चतुर ना बने, नहीं तो जो होशियार बनता है। माइनस करके पेन से चेक करो, गलत भी हो सकता है, मेरा 100% ठीक हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्या पता बुक का आंसर गलत हो। दस हजार और इसको हम बाई साइड में ट्रांसफर करेंगे बाई जीपी, 10,900, और ये टोटल कर देंगे 10,900। जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट आए, लॉस भी आ सकता है, लॉस आ रहा है यानी इधर का टोटल ज्यादा हो सकता है हमारा, जो कि ज्यादा है। कैसे? क्योंकि 5,000 अकेला ये है, 5,000 12,000 तो डेप्रिसिएशन है, तो लॉस ही आने वाला है। तो टोटल करो, ये क्या आता है हमारा, ये 500 है ना बैड डेट्स, बैड डेट्स 5,000 है, चलो 5,000। अब टोटल करो, लॉस कब आएगा? जब इधर का टोटल ज्यादा हो और इधर शिफ्ट कर दे तो लॉस आ जाएगा। टोटलिंग करो, कुछ बच्चे सोच रहे हैं, कोई बताएगा तो सुनेंगे, अपने अपना करो फटाफट। जल्दी जल्दी बताओ सबसे फास्ट, थर्टी फाइव 800, और अब इसमें से माइनस कर दो 10,900, तो बाय आएगा जीएल, मैं ग्रॉस लॉस सॉरी नेट लॉस यहां पे ना। अब देखो एक पॉइंट बता रहा हूं, नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल ये लिखना है आपने, और यहां माइनस कर देंगे नेट